खोलेंगे सबके राज, राजनामा दुनिया के साथ। मैं पूनम। मणिपुर में कुकी मतई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर पिछले 53 दिनों से हिंसा जारी है। सुरक्षा बलों और पुलिस ने रविवार को राज्य के 7 जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मणिपुर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इन जिलों में पिछले 24 घंटों में हिंसा फैलाने वाले लोगों के 12 बंकर नष्ट किए हैं। पुलिस ने इन्हें उग्रवादी बताया है। सुरक्षा बलों ने तामेंगलोंग, इम्फाल ईस्ट, विष्णुपुर, कांगपोकपी, चांदपुर और कांगचिंग जिलों में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और हिल और वैली दोनों जगह इन बंकरों को नष्ट कर दिया। मणिपुर हिंसा पर 24 जून को हुई सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि हिंसा में अब तक 131 लोगों की मौत हो चुकी है और 419 लोग घायल हुए हैं। आगजनी की 5000 से ज़्यादा घटनाएं हुई है। लगभग 6000 मामले दर्ज हुए हैं और 144 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राज्य में 36000 सुरक्षाकर्मी और 40 IPS तैनात किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 51 मिलीमीटर मोर्टार और 84 मिलीमीटर मोर्टार गोले साहुमफाई गांव के खेत में पाए गए। कामवई और एस कोटलियान गांव के बीच के खेत में एक IED भी मिला, इन्हें नष्ट कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि पिछले 2 महीनों में 1100 हथियार, 13702 गोला बारूद और 250 बम को राज्य के अलग अलग इलाकों से जब्त किया गया है। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।